जी देखें, कराची में आटे की कीमतों को पल लग गए हैं। दिन ब दिन आटे की कीमतों में मुस्तकिल इजाफा होता जा रहा है। दो रोज़ कबल आटे का 5 किलो का थैला जो 550 रुपये का था, वो अब कहीं 620 तो कहीं 600 रुपये का मिल रहा है। 5 किलो की ये बात है, अगर बात की जाए इससे ज़्यादा की, क्योंकि 5 किलो और 10 किलो कैसा है कि नॉर्मल घरों में जो है वो 5 से 10 किलो का आटा जो है वो इस्तेमाल होता है। दुकान पे मौजूद हैं, आवाम की यहाँ पे क्या राय है ये भी इनसे जानते हैं। सर मुझे बताइएगा आटे के बारे में, आटे के बहरान के बारे में। आटे का बहरान क्या बताऊँ मैं आपको, संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। पैसे किस रेट बारे पता है अभी? इस वक्त 5 किलो का 630 रुपये है, 5 किलो का आटा 630 रुपये किलो है चक्की का। बाकी का मुझे नहीं पता, जो मेरे घर में आता है मैं तो उसका रेट जानता हूँ। भी जो है वो इसी के लगभग आगे पीछे ही होगा यकीन से। 5 किलो एक नॉर्मल घर में जो है वो कम से कम 5 किलो तो इस्तेमाल होता है कम से कम, वरना 10 किलो 15-20 किलो, तो यानी कि 10 किलो के रेट यानी कि 1200-1300 रुपये करीब। बस 1200-1300, जिसके घर में लोगों की तादाद ज़्यादा है उनके घर में आप तो 10 किलो बता रहे हैं, 20 किलो भी इस्तेमाल होता होगा। और ठीक है, हम आगे भी लोगों से बात करते हैं इस महंगाई के हवाले से, लोग क्या कहते हैं। आटे का बुरहान है कैसा है, रोटी एक ऐसी चीज़ है जो अमीर भी खाता है गरीब भी खाता है, बल्कि गरीब जो है वो दो वक्त की रोटी को खाना ही गनीमत समझता है। अगर उससे ये दो वक्त की रोटी भी छीन ली जाएगी तो उसका क्या होगा। भैया मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि आटे के रेट क्या चल रहे हैं इस वक्त, कुछ पता है? 130 समथिंग, सॉरी 130 130 रुपये। ये कितने दिन पुरानी बात बता रहे हैं? दो दिन। अच्छा, 2 दिन से 130 से चल रहा है जी। भाई ने बोला 2 दिन से 130 रुपये किलो आटा चल रहा है, यानी कि मुस्तकिल तौर पर जो है वो आटे के रेट को जो है वो पल लगे जा रहे हैं। हम आगे और लोगों से भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, आटे की कीमतों के हवाले से वो भी आपसे शेयर करते हैं। पता है क्या किलो चल रहा है बेटे? वो तो कह रही हूँ ना कि बच्चे हमारे ले आते हैं खुला, जितना ही महंगा सस्ता दे रहे हैं हम तो खा रहे हैं। पता नहीं कितना आधे का देते हैं, किलो देते हैं, क्या हिसाब पे देते हैं, हम तो खुला 50-100 देते हैं। उसका ले आते हैं ताज़ा, पकाते हैं ताज़ा खाते हैं। अच्छा, कभी 5 किलो का ठेला कभी नहीं लिया, नहीं कभी 10 किलो लिया, जब हैसियत नहीं है क्या लूँ बेटा। पता है कि आटा 120 रुपये से ऊपर चला गया। वैसे 10 किलो वाला था 1070 रुपये का चल रहा है, 1070 का, लेकिन हम तो नहीं लेते, हम गरीब हैं खुला नहीं लेते। किलो पता है 120 रुपये से ऊपर किलो चल रहा है। वही तो है ना बेटा, हम तो बता तो रही हूँ, बच्चों को देती हैं 100-150 जो मिलता है लेके, ताज़ा पकाते हैं ताज़ा खाते हैं। इस वक्त मुख्तलिफ दुकानों पे मुख्तलिफ रेट हैं, कहीं 120 है तो कहीं 122 तो कहीं 123-124 रुपये चल रहा है। ये बताएं कहीं हुकूमत है? सिर्फ इतना जवाब दें, हुकूमत है कहीं? हुकूमत है ना, कहाँ है? सिंध में भी है, वफाक में भी है। यार हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रही भाई। इस मुल्क में अगर कानून नाम की कोई चीज़ है तो बता दो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम इज्जत माब, अगर वो कुछ कर सकते हैं कर लें, या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब कुछ कर लें। हमें दो पे कोई ना कोई भरोसा है, सहारा है, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा कुछ। जो सैलाब ज़दागानगी चल रही है, तो मैं कहता हूँ कि आर्मी चीफ इसको पूरा पूरा अपने हाथ में लें, किसी एनजीओस को ना देखें, किसी उसको ना देखें, ना जेडीसी ना फला सैलानी, ये वो सब अपने हाथ में लें, क्योंकि ये पैसा जा कहाँ रहा है? अरबों रुपए जो कराची शहर से जमा हो रहा है वो किधर जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है? मैं कहता हूँ आर्मी चीफ इसको पूरा पूरा इसको लुक आफ्टर करें, और चीफ जस्टिस भी। 120 चल रहा है। इतनी पुरानी बातें कर रही हैं ये? अभी 3 दिन पहले ही मंगवाया है, लेकिन अभी का रेट नहीं पता मुझे। आज जो है वो 120, 122, 124 चल रहा है। इस महंगाई का क्या होगा भाई, हम तो बहुत परेशान हो गए। आटा क्या, दूध क्या, कुछ भी आवाम के बस में नहीं है। अब बहुत परेशानी है, जिनकी तनख्वाहें 25-30 हज़ार हैं वो क्या करेगा? वो बंदा तो बस घर ही बैठेगा लग रहा है, फाके करवाएगा क्या अपने बच्चों को बीवी को? इस महंगाई का कुछ तो तोड़ होना चाहिए ना, हम लोग तो वाकई बहुत परेशान हो गए हैं। आला इख्तदार पे जो हुक्मरान बैठे हैं, इनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगी कि आवाम पर रहम करें भाई, आवाम बहुत परेशान हो चुकी है, कुछ करें उनके लिए, क्योंकि कुछ वसाइल नहीं है आवाम के पास, आवाम बेबस हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं है आवाम के बस में। आप लोग रहम करें अब आवाम पर, क्योंकि देखें ना, अब तो खेले भी रेंज से बाहर हैं, कोई फ्रूट भी हम अपने बच्चों को नहीं खिला सकते किसी के। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना था कि आटा जो है वो आवाम की रेंज से दूर होता जा रहा है, ना कि आटा और दीगर चीज़ें भी हैं, फ्रूट्स वगैरह भी है,
वो भी आवाम से दूर होती जा रही है। तीन दिन पहले के ये रेट बता रही हैं मोहतरमा, और आज जो रेट चल रहे हैं वो 122 से 124 रुपए किलो जो है वो आटा बढ़ता चला जा रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है कहा है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, कहीं दिखाई नहीं देती है, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेने का कह दिया है कि इस महंगाई को फौरी तौर पर ख़त्म करें, क्योंकि ना अगर महंगाई ख़त्म नहीं की गई तो गरीब मुसलसल ख़त्म होता जिस तरह से जा रहा है, तो गरीब मुसलसल ख़त्म ही हो जाएगा। अरकम अरकम टीम को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।